नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मेल टीवी। मुख्य समाचार, टोहाना में आज 134A के तहत बच्चों को दाखिले न मिलने पर अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आगे धरना देकर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान अभिभावकों ने बताया कि निजी स्कूल संचालक 134A के तहत उनके बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक और जरूरतमंद बच्चों के लिए यह कानून बनाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल संचालक उनको दाखिला न देकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ADC अजय चोपड़ा ने बताया कि पिछले काफी समय से खेतों में सौर ऊर्जा समरसिबल कनेक्शन के लिए बाट जोह रहे किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जिला में 27 दिसंबर से पहले आओ पहले पहले पाओ स्कीम के आधार पर सोलर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक के समरसिबल कनेक्शन पर 75% अनुदान मिलेगा। अपेक्स कॉन्वेंट स्कूल में स्कूल के निर्देशक अंशुल चराईपोत्रा ने वार्षिक खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। स्कूल निदेशक अमित मक्कड़ व अंशुल चराईपोत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास की कमी नहीं आती। स्कूल प्राचार्य उमंग अक्कड़ ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। विजेता विद्यार्थियों को स्कूल प्रबंधक अंशुल चराईपोत्रा, स्पर्श चराईपोत्रा, अमित मक्कड़ व प्राचार्य उमंग मक्कड़ ने मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।